हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो मिक्सर ग्राइंडर का जो आर्मेचर होता है और ये इसका मोटर का जो बूस कट जाने के कारण ये बहुत ढीला होने लगता है, मतलब चलने से बहुत आवाज़ करता है। ये देखिए पूरा ढीला हो गया है, तो इसका बूस पूरा ख़त्म हो गया है कट के। तो इसमें बूस कैसे चेंज करते हैं वो दिखाएँगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो बूस बदलने के लिए पहले इस पर तीन नट बोल्ट है, इसको निकालेंगे। तीनों निकाल देंगे पहले। तीन नट बोल्ट दिया होता है, तीनों को निकाल दिए अभी अच्छे से, निकल गया है। और ये इसका बूस है, तो बूस इसमें लगा होता है। तो ये देखिए बूस बहुत ढीला है, तो बहुत आवाज़ दे रहा था, सही से नहीं चल रहा था। देखें बूस कसा हुआ कटा हुआ है। अभी ये देखिए नया बूस इसमें लगाएंगे। गद्दी है कॉटन का, इसको ऊपर से लगा देंगे। और फिर इसका तीन ठो नट बोल्ट है, वो अच्छे से टाइट कर देंगे। तीनों लग गया है, एक तरफ से पास से पकड़ के अच्छे से टाइट कर देंगे। तीनों को अच्छे से टाइट कर देंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। तो मिक्सर ग्राइंडर का अगर बूस कट जाए तो इसी तरीके से बदलना चाहिए बूस को। ये बूस बदल दिए हैं, अभी अच्छा से चलेगा ये। इसमें थोड़ा जो कॉटन का गद्दी है उसमें थोड़ा मोबिल गिरा देंगे, मोबिल डाल दिए हैं थोड़ा। और इसी में फिर वापस इसको लगा देंगे।
हैं जो दो बोल्ट है तो भी लगा देंगे। इसी तरीके से उसको बदलते हैं। देखिए अभी अच्छा से हो गया। तो आप भी अगर बुश बदलना चाहते हैं तो इस तरीके से खोल के आराम से बदल सकते हैं।